हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीजेस मतलब पादप रोगों में दिखने वाले लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। डिजीज़ हमने बहुत पहले अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि डिजीज़ क्या है। एक सिंपल वे में डिजीज़ की परिभाषा या डेफिनेशन हम देते हैं कि इट इज़ द डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के नॉर्मल फंक्शन में अगर वेरिएशन आता है, डेविएशन आता है, तो हम उसको रोग या डिजीज़ कहते हैं। अब डिजीज़ से क्या है? डिजीज़ हम कह रहे हैं कि डिजीज़ के जो फैक्टर्स हैं कोज करने के, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर्स इंटरप्ट करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग को। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन और कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ये डिजीज़ के साथ में डिसरप्ट हो जाती है, बदल जाती है, चेंज हो जाती है। और प्लांट्स बहुत तेज़ी से रेस्पायर करने लगता है, श्वसन गति इसमें बढ़ जाती है, और साथ के साथ फिनोलिक सब्सटेंसेस, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स की मात्रा वहाँ बढ़ती है इन्फेक्शन के साथ साथ या इन्फेक्शन के बाद में। और एक बहुत लंबी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स भी इन चेंजेस को ब्रिंग करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो चेंज होते हैं, ये सारे चेंजेस क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं मॉर्फोलॉजी और एनाटोमी को। और ये मॉडिफिकेशन हमको डिजीज़ के सिम्टम्स या लक्षणों के रूप में दिखाई देते हैं। तो डिजीज़ कोज करने वाले जो सिम्टम्स हैं या कोज करने वाले ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस हैं, वो पैथोजेंस हम अच्छी तरह से जानते हैं। वापस से हम कहेंगे कि फंजाई है, बैक्टीरिया, वायरस, फाइटोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा एंड निमेटोड्स एक मेजर कैटेगरी इन पैथोजेंस की है जो प्लांट्स में डिजीज़ कोज करती है। और इनके टैक्सोनॉमिक ग्रुप में फंजाई के मिक्सोमाइसिटिस, ऊमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, ड्यूटीरोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस, ये सारी क्लासेस ऐसी हैं जो डिजीज़ कॉज करती हैं। और इनके जो कॉमन सिम्टम्स हैं, गॉल्स, वर्ट, रॉट, ब्लाइट, डैम्पिंग ऑफ, वाइट ब्लिस्टर, डाउनी मिल्ड्यू, ग्रीन ईयर या पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ कर्ल, कैंकर, लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, रूट और स्टेम रॉट, बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो इनके द्वारा कॉज होते हैं। हम इन सिम्टम्स को अभी डिस्कस करेंगे। बेसिडियोमाइसिटिस में रस्ट, स्मट, वुड रॉट एक्सेट्रा। जैसे बैक्टीरिया में जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप बैक्टीरिया है, जिससे सिम्टम्स जो नज़र आते हैं, गॉल्स, रॉट्स, ब्लाइट, कैंकर, स्कैब और वेस्कुलर विल्ट। इसी तरह से वायरस में टैक्सोनॉमिक ग्रुप वायरिडी है, जिसमें मोज़ेक, मॉटल, ड्वार्फिंग, लीफ कर्ल, वेन्स, क्लियरिंग, येल्लो एक्सेट्रा। फाइटोप्लाज्मा मॉलिक्यूल्स, येल्लोज, स्टंटिंग, फिल्लोडी, विचेस ब्रूम, प्रोलिफरेशन, लीफ। देन स्पायरोप्लाज्मा मॉलिक्यूल्स में स्टंटिंग और ग्रीनिंग होती है, और निमेटोड्स में जनरली रूट नॉट्स या गॉल्स या रूट रॉट, सिस्ट, लेजन्स, एक्सेसिव रूट ब्रांचिंग और लीफ कर्ल आदि होते हैं। अब सिम्टम्स जो प्लांट डिजीजेस के हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे कि रस्ट है, स्मट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रॉट, इसके साथ साथ ब्लाइट्स हैं, लीफ स्पॉट हैं, विल्ट है, कैंकर, डिसकलरेशन, शू हॉल्स, शॉर्ट हॉल्स, एंथ्रेक्नोज, स्ट्रिक्स और स्ट्राइप्स, ब्लास्ट, डाईबैक, एक्सोशन, पकरिंग, ट्यूमर्स और गाल्स, स्कैब, कर्लिंग, ड्वार्फिंग, मोज़ेक, नेक्रोसिस, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेशिया, वाइट ब्लिस्टर, अर्गट, ग्रीन ईयर, विचेस ब्रूम, येलोइंग एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों को हम डायग्राम से समझेंगे कि ये जो फिगर्स हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं, जिससे हम ये समझते हैं कि डिजीज़ के सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं। जैसे रस्ट, रस्ट आप लोगों ने पक्सिनिया में पहले पढ़ा हुआ है कि लीफ पर या स्टेम पर डिपेंड करता है, हमको मिलते हैं ब्राउनिश रेड कलर के स्पॉट्स जो कि रस्ट कहलाते हैं। ये बेसिडियोमाइसिटिस फंजाई के पक्सिनिया, यूरोमाइसिस और फ्रेगमीडियम में मिलते हैं। आप ये सिम्टम्स देख चुके हैं, प्रैक्टिकल में भी कर चुके हैं इसको। अब लूज स्मट हमें पता है, ये अस्टिलागो में मिलता है,
इसके फ्लोरल पार्ट्स में है, ब्लैक चारकोल लाइक पाउडर मिलता है और ये स्पोर्स फ्लोरल पार्ट्स में डेवलप होते हैं, ये हमने देखा हुआ है पहले भी। देन पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ पे आप देख रहे हैं कि पाउडर लाइक अपीयरेंस दिखाई देती है, जो इरिसाइफेल्स ऑर्डर की क्लास एस्कोमाइसिटीज़ में मिलता है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे ये जो पाउडरी मिल्ड्यू दिखती है, हमको पाउडर लाइक मास मिलेगा आपको ये। और इसके जो एग्जांपल्स है, इरिसाइफे है, फाइलेक्टिनिया है, फाइलेक्टिनिया हम लोग कर चुके हैं, अनसिन्यूला भी शायद आपने प्रीवियस में किया हुआ है ये। इसके अलावा फिर बाद में देखिए डाउनी मिल्ड्यू में हमको वाइट कॉटनी ग्रोथ दिखाई देती है, ये डाउनी मिल्ड्यू में। जो डाउनी मिल्ड्यू किस में मिलेगी, हम देख चुके हैं पेरेनोस्पोरेल्स ओमाइसिटीज क्लास में। फ्रूट रॉट में क्या होता है कि ये जो अफेक्टेड एरिया है वो पहले डाई हो जाता है, विघटित हो जाता है और ब्राउन टर्न हो जाता है, मतलब ब्राउनिश पार्ट इसमें हो जाएगा। जैसे हम ये देखते हैं ये वाला पूरा का पूरा है, ये फ्रूट रॉट है, मतलब जिसको हम हिंदी में सड़ना कहते हैं, पौधा सड़ गया है या फ्रूट सड़ गया है, इसका मतलब वहाँ का अफेक्टेड एरिया है, जो प्रभावित टिश्यूज़ हैं वो डाई हो गए, डिकम्पोज हो गए और ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं। ब्लाइट शब्द हमें अच्छी तरह से पता है, ब्लाइट वर्ड हम यूज़ करते हैं किसके लिए, बर्निंग अपीयरेंस के लिए, जल जाती है पत्तियाँ, उसके लिए शब्द ब्लाइट यूज़ किया जाता है। सडन डेथ हो जाते हैं यहाँ पे प्लांट्स में, लीव्स की, फ्लावर्स की, ट्विक्स की, सबकी। और डेड ऑर्गन जल्दी से ब्राउन या ब्लैक हो जाते हैं और डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, बाद में ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हमको अच्छी तरह से मालूम है, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो। अर्ली ब्लाइट जो कि अल्टरनेरिया सोलेनी से होती है और लेट ब्लाइट फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस से होती है। देन ये देखिए सिम्टम्स है, लीफ स्पॉट, लीफ पर स्पॉट्स मिल रहे हैं हमको। ये सिम्टम्स में ये जो एरिया है ये किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, जो डेफिनेट एरिया है, कुछ निश्चित एरिया मर जाएंगे और यहाँ पर ब्राउनिश शेड नज़र आती है। देन विल्टिंग, ना विल्टिंग का मतलब है मुरझा जाना, जैसे फ्लैसिड हो जाती है, मुरझा जाती है। ये नॉन पैरासिटिक पैरासिटिक डिजीजेज हैं और प्लांट्स मुरझा जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनके वेस्क्यूलर कनेक्शंस में इन्फेक्शन होता है। और इसका एग्जांपल है फ्यूजेरियम विल्ट। फिर आगे हम देखते हैं, फिर अगेन कैंकर, कैंकर डिजीज़ हम देख चुके हैं, आप जानते हैं कि सिट्रस कैंकर हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इस पर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, नेक्रोटिक सिम्टम्स होते हैं, डेड एरिया मिल जाते हैं फ्रूट पर, लीफ पर और ट्विक पर, और ये लोकलाइज पार्ट्स में मिलते हैं। और ये डिजीज़ किसके द्वारा होती है, जेंथोमोनास सिट्राई बैक्टीरिया के द्वारा होगी। देन फिर ये सिम्टम्स है डिसकलरेशन, मतलब पत्तियाँ जो सिम्टम्स है वो कलर में चेंज हो जाता है, पूरे के पूरे प्लांट्स में बिल्कुल ग्रीन के बजाय वाइट वाइट पत्तियाँ हो जाती है, ये डिसकलरेशन कहलाता है। देन शॉर्ट हॉल, ये शॉर्ट हॉल सिम्टम्स हैं, ये स्पॉट नहीं है, दिस शॉर्ट हॉल, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो स्पॉट्स हैं वो एरिया डिसइंटीग्रेट होकर और उसमें पूरा का पूरा गिर जाता है और एक छेद बन जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि कोई बुलेट उसमें से पास हुई है, तो ये शॉर्ट हॉल कहलाता है, ये भी एक तरह का नेक्रोसिस है, है ना। फिर आगे हम देखते हैं कि एंथ्रेक्नोज है, एंथ्रेक्नोज में क्या हो रहा है, ये अल्सर से डिराइव होता है, ये जो टर्म है ग्रीक वर्ड अल्सर से डिराइव हुआ है। इसमें क्या होएगा, अल्सर लाइक लेजन्स या इसको जो निशान्स दिखाई देते हैं कहाँ पर, लीफ वेन पर, पिट्योल पर और स्टेम पर। देन उसके बाद में ये स्ट्राइप्स है, स्ट्राइप्स मतलब इलोंगेटेड लंबे लंबे हमको लेजन्स या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, दैट इज़ नोन एज स्ट्राइप्स। उसके बाद ब्लास्ट, ब्लास्ट सिम्टम मिलता है पेरिक्यूरिया ओराइज़ा में, ब्लास्ट ऑफ राइस डिजीज़ जो कॉमन है। इसमें क्या होगा कि ये डिजीज़ में सडनली या अचानक से ये एरिया किल हो जाता है और ब्राउन टर्न हो जाता है और सारी की सारी पत्तियाँ या एंटायर पार्ट या लीफ ब्लेड पूरी की पूरी ब्राउन हो जाती है, अचानक से इसमें डेथ हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल ब्लास्ट ऑफ राइस जो कि पेरिक्यूरिया से होता है।
देन एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है ये डाइबैक सिम्टम। डाइबैक सिम्टम में क्या हो रहा है, यहाँ ये हम वापस से देखेंगे इसको एक बार। ये हाँ, यह डाइबैक, डाइबैक का मतलब है डेथ ऑफ प्लांट का पार्ट, ये एस स्टेम या ब्रांचेस फ्रॉम टिप बैकवर्ड, यहाँ ऊपर से ये टिप से नीचे की तरफ डेथ होती है प्लांट की, तो वो डाइबैक सिम्टम कहलाता है। रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है अभी, यहाँ देखें हम वापस से देखते हैं इसको, इट इज़ नॉट रेस्पॉन्डिंग नाउ। ओके देन पकरिंग, पकरिंग भी एक अलग तरह का सिम्टम है। इसमें क्या होता है, वेंस जो इंटरवेनल एरिया के साथ साथ ग्रो नहीं करती है, इंटरवेनल एरिया और वेंस साथ साथ ग्रो नहीं करती है, तो उससे क्या डिस्टोर्शन हो जाता है शेप और साइज में, डेट इज़ नोन एज पकरिंग। और फिर हम देखते हैं गॉल्स, गॉल्स हम जानते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के द्वारा होता है गॉल्स की डिजीज़ या ट्यूमर की डिजीज़ है। और इसके अलावा एक कोरिएंडर गॉल्स भी मिलता है जो प्रोटियोमाइसिस के द्वारा भी होता है, इसमें क्या गांठ बन जाती है, इरेगुलर ग्रोथ होती है। स्कैब, स्कैब डिजीज़ जो कि एप्पल में मिलती है, एप्पल स्कैब जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वेंचूरिया, वेंचूरिया में स्कैब है, ये यहाँ पर रफ क्रस्ट लाइक लेजन्स मिलते हैं, सड़ जाता है ये एरिया और ये इस तरह से पाए जाते हैं। देन फिर कर्लिंग, कर्लिंग मतलब मुड़ जाता है, और ये कर्लिंग डिजीज़ में लीफ कर्ल ऑफ पीच इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो कि लीव्स पूरी की पूरी कर्ल हो जाती है, नीचे की तरफ झुक जाती है। देन ड्वार्फिंग, ड्वार्फिंग हमें अच्छी तरह से पता है ये वायरस और माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाली डिजीज़ है। ड्वार्फिंग किससे, वायरस और माइकोप्लाज्मा से होती है डिजीज़, इसमें क्या है ग्रोथ रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है और वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता है प्लांट। मोज़ेक एक अच्छा इम्पोर्टेंट सिम्टम है, अच्छी तरह से जानते हैं ये किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा सिम्टम्स है, ग्रीन के साथ साथ कुछ अलग पैचेस दिखाई देते हैं, दिस सिम्टम्स को मोज़ेक सिम्टम्स कहते हैं हम। और उसके बाद में नेक्रोसिस जिसकी डेड एरिया मिलता है, हाइपरट्रॉफी हम पहले देख चुके हैं कहाँ पर, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी जो डिजीज़ देखी थी, ये पास में देखिए वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी है, वाइट ब्लिस्टर कहते हैं हम जिसको, रस्ट अप नहीं कहते हैं, इसके फ्रूटिंग बॉडी पर हाइपरट्रॉफी मिलती है, हाइपरट्रॉफी का मतलब है एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाती है साइज में। देन ये अर्गट, अर्गट क्या है, ये हमको दिख रहे हैं ग्रेन लाइक एरिया दिख रहा है, मगर ये ग्रेन लाइक कोई एरिया नहीं है, ये क्या है हार्ड ग्रेन के रूप में दिखाई देने वाला वो है, इसका स्क्लेरोशिया है जिसमें कि फंगल मास है इसके अंदर, और ये अर्गट ऑफ बाजरा में मिलता है। देन ग्रीन ईयर हम देखते हैं, ये तो अर्गट हो गया, ये ग्रीन ईयर है, ये ग्रीन ईयर डिजीज़ जो कि किसके द्वारा होता है, स्क्लेरोस्पोरा के द्वारा होगा। देन ग्रेन स्मट है, उसके बाद में हम देखते हैं फिल्लोडी है, पूरा का पूरा फ्लोरल पार्ट्स लीफी एरिया में कन्वर्ट हो जाता है, लिटिल लीफ ब्रिंजल हमने देखा हुआ है, किसके द्वारा होता है, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, वेन क्लियरिंग देखिए हमने, ये फाइटोप्लाज्मा है ना, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, और येलो वेन मोज़ेक ऑफ बिंडी है, ये वायरस के द्वारा होगी, और अर्ली ब्लाइट डिजीज़, तो ये सारी डिजीज़ेस सिम्टम्स हैं जो हमने फोटोग्राफ्स के साथ में डिस्कस किए हुए हैं, और इनका जो डिटेल में है वो सब आगे टेक्स्ट में दिया हुआ है, जो आप इसको ढंग से पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो डिजीज़ के बारे में हमने क्या सिंपल वे में देखा है कि रोग या डिजीज़ क्या है, जो कि एबनॉर्मल फंक्शन शो करती है नंबर वन, और उससे अंदर फिजियोलॉजी में चेंजेस आते हैं, बहुत सारे फिनोल्स कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बनते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बनते हैं, और इसकी वजह से मॉर्फोलॉजी और एनाटोमी में वेरिएशन आता है, और उस वेरिएशन की वजह से डिजीज़ कॉज करती है। तो ये सारी डिजीज़, डिजीज़ के सिम्टम्स और फोटोग्राफ्स के से आपने अच्छा तरह से इसको समझ लिया होगा। थैंक यू।